नमस्कार, मैं अनिल दादिच, असिस्टेंट प्रोफेसर इन जूलॉजी, एस के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे मधुमक्खियों में सामाजिक संगठन के बारे में। साथियों, मधुमक्खियाँ विश्व भर में पाई जाती है तथा ऐसी प्राणी होती है जो सुसंगठित समाज बनाकर रहती है। इस समाज या कॉलोनी में इनके अनेक सदस्य होते हैं जो एक कोऑर्डिनेट मैनर में एक दूसरे के साथ संतुलन बनाते हुए कार्य करते हैं। इनकी सबकी अपनी अपनी भूमिका होती है। मधुमक्खियों को शहद और मोम के लिए पाला जाता है तथा इनके संवर्धन की विधि को एपिकल्चर कहा जाता है। इस अध्याय में हम जिन बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे वो बिंदु आपकी स्क्रीन में सामने प्रस्तुत है। सबसे पहला बिंदु जो हम लेंगे, जो कि सामाजिक संगठन वाले प्राणियों के अंदर महत्वपूर्ण गुण होता है, वो कॉलोनी या निवह का। दोस्तों, कॉलोनी या निवह ऐसी जगह है या ऐसा स्थान है जहाँ पर एक ही जाति के विभिन्न सदस्य एक साथ झुंड में रहते हैं। मधुमक्खियों की कॉलोनी को बी हाइव या छत्ता कहा जाता है। आपके सामने जो स्क्रीन पर चित्र दिखाई दे रहा है उसमें आप ये देख रहे हैं कि ये पेड़ पर लटका हुआ मधुमक्खी का छाता है। दूसरे डायग्राम में या दूसरे चित्र में हम ये देख रहे हैं कि ये छत्ता है वो खाली है। इसमें आपको ये अनेक जो चैम्बर या कोस्ट दिखाई दे रहे हैं। नीचे के डायग्राम में हम ये देख पा रहे हैं कि इस चैम्बर इनमें जो चैम्बर या कोस्ट पाए जाते हैं वो अलग अलग प्रकार के हैं। जैसे मधुमक्खियों में जो रानी मक्खी होती है उसके लिए बड़ा चैम्बर या बड़ा कोष्ठ पाया जाता है। शहद इकट्ठा करने के लिए पाए जाने वाले चैम्बर साइज में छोटे होते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसी तरह ड्रोन्स या नर जो मधुमक्खियाँ होती हैं उनके लिए चैम्बर अलग से हैं। तो ये जो छत्ता या कॉलोनी जो दिखाई देती है वो सुव्यवस्थित कॉलोनी होती है, जिसमें अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग चैम्बर बनाए जाते हैं। जैसे अपन बात करें यदि ब्रूड चैम्बर की, ब्रूड चैम्बर या शिशु कक्ष, ऐसे चैम्बर या ऐसे कक्ष होते हैं जिनके अंदर शिशुओं को रखा जाता है। इसी तरह क्वीन चैम्बर जो साइज में बड़े होते हैं उनके अंदर रानी मक्खियां हैं वो निवास करती हैं। सामान्यतः एक कॉलोनी में एक रानी होती है, हालांकि वे जो रानी बनने की कगार पर होती हैं या जो रानी बनने बनाने के लिए पाली जाती है वो उन मधुमक्खियों के लिए भी अलग से चैम्बर या अलग से कोष्ठक है वो पाए जाते हैं। छत्ते का निर्माण जो किया जाता है वो वर्कर बीज के द्वारा या श्रमिक मधुमक्खियों के द्वारा किया जाता है। इसके लिए वैक्स या मोम का उपयोग किया जाता है, जो श्रमिक मधुमक्खियों के उदरीय भाग में पाई जाने वाली वैक्स ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। वहाँ से उस वैक्स को कलेक्ट करके और चबाया जाता है और चबाने के बाद में उसे एक शेप या आकार दिया जाता है चैम्बर के रूप में। और इन चैम्बर या कक्ष को आपस में चिपकाया जाता है एक गोंद की सहायता से, जो ये मक्खियाँ पेड़ पौधों से प्राप्त करती हैं। किसी भी कॉलोनी या किसी भी छत्ते का पाया जाना प्रमुख गुण होता है जो सामाजिक संगठन के लिए जरूरी होता है। जब कभी छत्ता टूट फूट जाता है तो उस छत्ते की मरम्मत भी की जाती है और उसके अंदर शहद और अन्य जो चीज़ें हैं उनको सुरक्षित बना करके रखा जाता है। अगले चित्र में या अगले पॉइंट में हम बात करेंगे कि किसी भी समाज में कास्ट या प्रभेद पाए जाते हैं। कास्ट या प्रभेद के बारे में अपन पिछले टॉपिक में ये चर्चा कर चुके हैं कि एक ही जाति के सदस्य जो कार्यों के अनुसार एक दूसरे से भिन्न होते हैं तथा एक साथ रहते हैं उन्हें प्रभेद कहा जाता है। ये घटना पॉलीमॉर्फिज्म या बहुरूपता के अंतर्गत आती है। मधुमक्खियों के प्रभेद या कास्ट में हम तीन प्रकार के सदस्यों के बारे में बात करेंगे। स्क्रीन पे जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है उसमें वो तीनों सदस्य एक साथ दिखाए गए हैं। पहला सदस्य क्वीन या रानी मक्खी होता है, दूसरा सदस्य श्रमिक मक्खियाँ और तीसरे जो सदस्य होते हैं वो ड्रोन या नर कहलाते हैं। अगली स्लाइड्स में हम इनके बारे में अलग अलग बात करेंगे। जैसे कि आप इस स्लाइड में देख पा रहे हैं कि रानी मक्खी या जो क्वीन बी होती हैं वो हाइव या छत्ते की
प्रमुख सदस्य होती है, जो दिखने में अन्य सदस्यों से अलग होती है। इसको पहचानने का तरीका ये है कि इसका एब्डोमिनल पार्ट या उदरीय भाग जो आप देख रहे हैं कि इलोंगेटेड या लंबा होता है, इसके जो विंग्स होते हैं वो छोटे होते हैं और ये पूरा ढक नहीं पाते हैं। इसके अलावा ये जो मक्खियाँ होती हैं वो केवल अंडे देने का काम करती है। प्रतिदिन ये मक्खियाँ लगभग 2000 अंडे दे सकती हैं और अपने जीवन काल में एक रानी मक्खी लगभग 15 लाख अंडे देती है। साथियों, छत्ते के अंदर पाए जाने वाले जितने भी सदस्य होते हैं वो एक ही रानी मक्खी की संतान होते हैं। रानी मक्खी का मुख्य कार्य अंडे देना ही नहीं होता, इसके अलावा वो छत्ते पर नियंत्रण भी करती है। नियंत्रण करने के लिए वो अपने शरीर से कुछ पदार्थों का श्रावण करती है जिन्हें तकनीकी भाषा में फिरोमोन्स कहा जाता है। यहाँ अपन जिस फिरोमोन की बात करें वो क्वीन सब्सटेंसेज के नाम से या रानी पदार्थ के नाम से जाना जाता है। ये इनकी मैक्सिलरी ग्लैंड के द्वारा स्रावित किया जाता है और रानी के इर्द गिर्द पाई जाने वाली दासी मक्खियाँ या दासी श्रमिक मक्खियाँ जो होती है इस पदार्थ को चाटती रहती है तथा मुख से मुख विधि के द्वारा छत्ते के अन्य सदस्यों में स्थानांतरित करती रहती है। इस पदार्थ को चाटकर वर्कर्स तथा अन्य मक्खियाँ शांत हो जाती है तथा अनुशासित रूप से रहती है। जब तक रानी जीवित रहती है तब तक उनके द्वारा ये क्वीन सब्सटेंसेज या रानी पदार्थ है वो स्रावित होता रहता है। इसके अलावा इन मक्खियों के द्वारा ऐसे पदार्थ का श्रावण भी किया जाता है जो अन्य श्रमिक मक्खियों के अंडाशय को या ओवरीज को रिड्यूस कर देता है या अपहरासित कर देता है, जिनसे उन श्रमिक मक्खियों की जनन क्षमता समाप्त हो जाती है, वे स्टेराइल या बंदे हो जाती हैं। इस तरह एक रानी इन रासायनिक पदार्थों के माध्यम से अपने छत्ते के ऊपर या छत्ते के अंदर पाए जाने वाले सदस्यों के ऊपर अनुशासन बनाए रखती है। छत्ते में सामान्यतः एक रानी पाई जाती है। जब एक से अधिक रानियां हो जाती है तो पुरानी रानी अपने कुछ साथियों को लेकर उस छत्ते से उड़ जाती है और अन्य स्थान पर जाकर दूसरा छत्ते का निर्माण करती है। इस घटना को स्वार्मिंग या वृंदन के नाम से जाना जाता है। मधुमक्खियों में मात्र समाज होता है, अर्थात जितनी भी जो सदस्य होती है वो एक ही माँ की संतान होती है। अगले स्लाइड्स में या अगले डायग्राम में हम ये देख रहे हैं श्रमिक मक्खी जो संख्या में सबसे ज़्यादा होती है। इनका काम होता है छत्ते की देखभाल, इसके अलावा शिशुओं की देखभाल, शहद इकट्ठा करना, मकरंद इकट्ठा करना, छत्ते की सुरक्षा करना, छत्ते की मरम्मत करना, सफाई करना, रानी की देखभाल करना, ये सारे कार्य इन्हीं के जिम्मे होते हैं। आप यदि रानी से श्रमिक को अलग पहचानें तो आप ये देख सकते हैं कि रानी की तुलना में श्रमिक मक्खी का एब्डोमिनल या उदर वाला पार्ट छोटा होता है। इसके ये विंग्स जो हैं वो पूरे के पूरे इसके शरीर को कवर किए रहते हैं। इनके अंदर एक जोड़ी एंटीना पाई जाती है, एक जोड़ी संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं, इसके अलावा 3 ओसिलाई या नेत्रक पाए जाते हैं। ओसिलाई या नेत्रक शब्द अपन उन संरचनाओं के लिए प्रयुक्त कर सकते हैं जो अंधेरे और प्रकाश का ज्ञान करवाते हैं, जबकि इनके कंपाउंड आई या संयुक्त नेत्र जो होते हैं वो प्रतिबिंब बनाने का काम करते हैं। मधुमक्खियों के लिए ओसिलाई या नेत्रक का पाया जाना अनिवार्य गुण होता है, क्योंकि छत्ते के अंदर अंधेरा या प्रकाश जो होता है उसके लिए, उसको समझने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। रानी मक्खी की तुलना में वर्कर मक्खी के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। ये सारे काम छत्ते के ये संपादित करती है। ये स्टेराइल या बंदे होती है, जैसा कि मैंने ये बताया था आपको कि ये मक्खियां रानी पदार्थ के कारण अपने अंडाशय हैं उनको रिड्यूस कर देती है या खो देती है, जिसके कारण ये इनकी प्रजनन क्षमता समाप्त तो हो जाती है। यदि और बात करें इन वर्कर मक्खियों की तो ये वर्कर मक्खियाँ महत्वपूर्ण जो कार्य होता है इनका वो संचार या कम्युनिकेशन का होता है, जिनके बारे में अपन इस चैप्टर के अंत में चर्चा करेंगे।
उसके बाद में अगली स्लाइड में यदि हम ये देखें, तीसरा सदस्य, तीसरा सदस्य जो होता है वो ड्रोन या नर कहलाता है, जहां रानी मक्खी और श्रमिक मक्खियां डिप्लॉइड या द्विगुणित होती हैं, उनकी तुलना में ड्रोन्स जो होते हैं या नर जो होते हैं वो हैप्लॉइड या एगुणित होते हैं। अर्थात ये वे सदस्य होते हैं जो अनिषेचित अंडों से उत्पन्न होते हैं, जबकि श्रमिक मक्खियां और रानी मक्खी दोनों डिप्लॉइड या द्विगुणित अंडों से उत्पन्न होती है जो कि निषेचित होते हैं। उनमें श्रमिक बनना है या उनको श्रमिक बनना है या रानी बनना है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उनको भोजन कैसा दिया जाता है। जिन मक्खियों को रानी बनना होता है उन मक्खियों को रॉयल जेली खिलाई जाती है, जबकि जिनको वर्कर बनना है उन्हें सामान्य शहद दिया जाता है। ड्रोन की यदि हम चर्चा करें तो ये श्रमिक मक्खियों की तुलना में साइज में तो बड़े होते हैं, लेकिन ये संख्या में सबसे कम होते हैं। सामान्यतः एक छत्ते में 100 से 110 तक ड्रोन पाए जाते हैं। यदि ड्रोन को पहचाने हम श्रमिक मक्खियों और रानी की तुलना में, तो हम ये कह सकते हैं कि इनका उदरिया या एब्डोमिनल पार्ट भी छोटा होता है। इनके विंग्स रानी की तुलना में बड़े होते हैं, लेकिन श्रमिक है उनकी तुलना में छोटे होते हैं। सबसे अच्छा विभेदी गुण जो किसी छत्ते में ड्रोन को पहचानने में मददगार होता है वो इनकी बड़ी आँखें। इनके अंदर एक जोड़ी बड़ी आँखें पाई जाती है जो इनको अन्य सदस्यों से अलग करती हैं। ये छत्ते में आसपास मंडराते रहते हैं। सामान्यतः इनको छत्ते के अंदर ज़्यादा समय तक जगह नहीं मिलती। इनका मुख्य कार्य ये होता है कि ये स्वार्मिंग की क्रिया के दौरान या रानी मक्खी जब उड़ान भरती है उस दौरान अपने शुक्राणु या जो स्पर्म है वो स्पर्मेटोफोर के रूप में उसको डोनेट करते हैं। उसके पश्चात नर साथी है वो मर जाते हैं या फिर इनको छत्ते से बाहर खदेड़ दिया जाता है। इनका ज़्यादा रोल छत्ते में नहीं होता, केवल प्रजनन की क्रिया में इनका रोल होता है। उसके बाद में अगली स्लाइड में यदि हम देखें तो हम जो पॉइंट देख पा रहे हैं वो पॉइंट निवय की देखभाल करने से संबंधित है। निवय या केयरिंग ऑफ कॉलोनी में आप ये देख रहे हैं कि अलग अलग मधुमक्खियों के द्वारा अलग अलग कार्य संपादित किए जा रहे हैं। कुछ वर्कर जो होती है वो जो छत्ते में सबसे वरिष्ठ या सीनियर सदस्य होती हैं वो निवेशक मंडल के सदस्य होते हैं, या जिसको अपन कह सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उनके नाम से उनको जाना जा सकता है। इनका कार्य ये होता है कि श्रमिक मक्खियों में अलग अलग कार्यों का बंटवारा करना और उसको मॉनिटर करना। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि फिजियोलॉजिकल लेबर डिवीज़न या कार्य की श्रम विभाजन की घटना पाई जाती है, जिसमें अलग अलग वर्कर का अलग अलग कार्य होता है। यदि इन कार्यों की हम चर्चा करें तो अपन कह सकते हैं कि सबसे नई वर्कर जो अंडे से निकले हुए जिन्हें 3 दिन हुए हैं, उनका काम होता है छत्ते की साफ सफाई करना। इन्हें अपन स्क्वेंजर वर्कर के नाम से जान सकते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि ये एक कर्मचारी या वर्कर है जो सफाई का काम कर रही है। दूसरी जो होती हैं जिनको 3 दिन के बाद या 4 से 5 दिन का समय जिनको हो जाता है अंडे से निकलने के बाद में, उनका मुख्य काम होता है शिशुओं की देखभाल करना। 7वें दिन इनके अंदर जो मैक्सिलरी ग्लैंड विकसित होती है उन मैक्सिलरी ग्लैंड से रॉयल जेली का सिक्रीशन होने लग जाता है। ये रॉयल जेली ये वर्कर मक्खियाँ जिन लार्वा या जिन प्यूपा को खिलाती हैं वो आगे चलकर क्वीन में डेवलप होते हैं। हालांकि शुरुआत में 2 दिन सभी शिशुओं को रॉयल जेली खिलाई जाती है, उसके पश्चात रॉयल जेली केवल उन्हीं मक्खियों को खिलाई जाती है जिन मक्खियों को आगे चलकर रानी बनना होता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, रॉयल जेली ऐसा पदार्थ है जो वर्कर मक्खियाँ अर्थात वे वर्कर मक्खियाँ जो लगभग 7 दिन की हो चुकी होती हैं उनके अंदर मैक्सिलरी ग्लैंड जो विकसित हो जाती है वहाँ से ये पदार्थ सिक्रीट होता है, तथा ये पदार्थ जिन शिशुओं को खिलाया जाता है लंबे समय तक वे शिशु आगे चलकर क्वीन या रानी बनते हैं। इसी तरह 12वें से 18वें दिन
इनके अंदर वैक्स ग्लैंड विकसित हो जाती है, और जिन सदस्यों के अंदर वैक्स ग्लैंड विकसित हो जाती हैं वो वैक्स का सिक्रीशन करके और उस वैक्स को अपने मुंह की सहायता से चबाकर चैम्बर या कोष्ठक बनाने का काम करती हैं। कुछ मक्खियाँ या कुछ वर्कर्स जो होती है वो गार्ड का काम करती है, अर्थात छत्ते की निगरानी करने का काम। ये ध्यान रखती है कि छत्ते से कौन सदस्य बाहर गया है, कौन सदस्य अंदर आया है। इसके अलावा ये उन मकरंद या पोलन की जांच करती है कि वो उपयुक्त है या नहीं है, और ये मकरंद या पोलन वर्कर मक्खियों के द्वारा फूलों से कलेक्ट करके लाया जाता है, इन्हें अपन गार्ड वर्कर्स कहते हैं। इसी तरह छत्ते के अंदर सैनिक मधुमक्खियाँ होती हैं जो छत्ते के ऊपर विदेशी या फॉरेनर जो मधुमक्खियाँ होती हैं उनके आक्रमण से सुरक्षा करती हैं। इनके पास डंक होते हैं जिनकी सहायता से ये आक्रमणकारी अन्य मधुमक्खियों और अन्य रानी मक्खी यदि कोई छत्ते में घुस आती है तो उसको डंक मार करके वो मार देती है और घसीट कर छत्ते से बाहर फेंक देती है। इसी तरह अन्य वर्कर्स के रूप में हम ये कह सकते हैं कि पॉलन कलेक्ट करने वाली मक्खियाँ होती हैं जिन्हें सामान्यतः स्काउट मक्खियाँ कहते हैं। ये स्काउट मक्खियाँ छत्ते से बाहर जाकर फूलों के विभिन्न स्रोतों का पता लगाकर वहाँ से अपनी पॉलन बास्केट में पॉलन कलेक्ट करके लाती हैं, और ये पॉलन कलेक्ट करके लाने के बाद में उसको अन्य मक्खियों को दे देती है जो शहद का निर्माण करती है। इसके अलावा छत्ते के अंदर हम ये कह सकते हैं कि रानी की परिचारिकाएं पाई जाती है जो रानी की देखभाल करती है, उसके चैम्बर की साफ सफाई करती है, उसके चैम्बर से मल मूत्र को हटाती है, इसके अलावा उसकी कंघी करती है, उसको संवारने का काम करती है। इसके अलावा उसके द्वारा स्रावित किए जाने वाले रानी पदार्थ को चाट कर छत्ते के अंदर अन्य साथियों को स्थानांतरित करती है। साथियों यदि किसी रानी की मृत्यु हो जाती है तो 1 घंटे के भीतर छत्ते के सभी सदस्यों को पता चल जाता है। ऐसी स्थिति में छत्ते में किसी दूसरी रानी को बिठा दिया जाता है और उसके द्वारा स्रावित सब्सटेंसेस या रानी पदार्थ है उसकी सहायता से छत्ते का नियंत्रण है वो पुनः स्थापित किया जाता है। इसी तरह छत्ते के अंदर वे सदस्य भी पाई जाती है जो हवा करने का या पंखा झेलने का काम करती है, अर्थात वे समय समय पर पंख फड़फड़ाकर छत्ते से दूषित वायु को बाहर निकालती है और उसके अंदर ताज़ा हवा या ताज़ा वायु को आने देती है। इस तरह से हम ये देख पा रहे हैं कि निहवे या कॉलोनी की केयरिंग या देखभाल करने के लिए छत्ते के अंदर या कॉलोनी के अंदर अलग अलग सदस्य पाए जाते हैं, और ये अलग अलग सदस्य अपना कार्य बिना हिचकिचाहट के, बिना किसी भेदभाव के या बिना किसी स्वार्थ के पूरा करते रहते हैं, जिसके कारण छत्ते की व्यवस्था है वो बनी रहती है। ये घटना जिसमें हम ये कह सकते हैं कि कार्य के श्रम विभाजन की घटना जो पाई जाती है, इसमें सारा जो कार्य है वो वर्कर के द्वारा किया जाता है, और वर्कर ये कार्य इसलिए करती है कि उनके सजातीय सदस्यों की संख्या है वो बढ़ सके। इनमें ये घटना जो होती है वो यू सोशलिटी या सुसामाजिकता कहलाती है, जिसके अंतर्गत कोई सजातीय साथी अपना सर्वस्व न्योछावर कर देता है अपनी जाति की संख्या बढ़ाने के लिए। इस घटना को किन सिलेक्शन या सहोदर चयन के नाम से जाना जाता है। यहाँ जो एरो आपको दिखाई दे रहा है वो एरो ये बता रहा है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ कार्य अलग अलग होते जाते हैं, और श्रमिक मक्खियाँ चूँकि हर समय कार्य करती है इसलिए इनका जीवन काल या लाइफ स्पान ज़्यादा नहीं होता। सामान्यतः ये 2 से 4 माह तक जीवित रहती है, उसके पश्चात ये मर जाती है। उसके बाद में अगली स्लाइड में हम ये देखें कि किसी भी निवह के लिए प्रोटेक्शन या सुरक्षा जरूरी होती है। प्रोटेक्शन या सुरक्षा के लिए कुछ प्रोटेक्टिव डिवाइसेज इनके अंदर पाए जाते हैं। मधुमक्खियों में पाया जाने वाला प्रोटेक्टिव डिवाइसेज जो होता है वो उनका डंग या स्टिंग होता है, जो अंतिम उदरीय खंड या लास्ट एब्डोमिनल पार्ट होता है। इस डायग्राम में या इस चित्र में हम ये देख पा रहे हैं कि लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट के अंदर ये स्टिंग अपरेटस है, जिसके अंदर
एक वेनम सेक जिसको यहाँ दिखाया गया है। वेनम सेक वो जगह है जिसके अंदर आप ये कह सकते हो कि जहर, डंक का जो जहर होता है वो भरा रहता है। और इसके अलावा एक खोखली या नुकीली सुई जैसी चीज़ है जिसे अपन डंक कहते हैं, उसके अंदर ये वेनम जब कोई मधुमक्खी काटती है तब भर दिया जाता है और वो उस सुई की सहायता से हमारी स्किन के अंदर इंजेक्ट हो जाता है और वहाँ पे तीव्र या भयंकर जलन होती है। जब कोई मधुमक्खी या कोई वर्कर डंक त्यागती है तो वो अपना अंतिम उदरीय खंड हम तोड़ कर अलग कर देती है, जिसके कारण कुछ समय पश्चात उस वर्कर मक्खी की मृत्यु हो जाती है। मधुमक्खियों में स्टिंग एपरेटस या दंशन उपकरण वर्कर मक्खियों के अलावा रानी मक्खी में भी पाए जाते हैं, जो प्रोटेक्टिव डिवाइसेज के रूप में काम में लेती हैं और उनकी सहायता से ये अपनी कॉलोनी या छत्ता है उसकी सुरक्षा करती हैं। अगली स्लाइड्स में हम बात करेंगे स्वार्मिंग या वृंदन के बारे में। साथियों, स्वार्मिंग या वृंदन एक ऐसी घटना है जो ओवरक्राउडिंग या भीड़ को कम करने के लिए समय समय पर दर्शाई जाती है। इस घटना के तहत कोई रानी मक्खी जब छत्ते के अंदर संख्या बढ़ जाती है, ऐसी स्थिति में कुछ सदस्यों को लेकर वो उस छत्ते से बाहर निकल जाती है। ये सदस्य उसके साथ साथ उड़ते हैं तथा कुछ दूरी पर जाकर दूसरी जगह वो छत्ते का निर्माण कर लेते हैं। कई बार इसी स्वार्मिंग या वृंदन के दौरान ड्रोन भी रानी मक्खी के साथ उड़ते हैं और हवा में ही वे अपने स्पर्मेटोफोर रानी मक्खी के अंदर स्थानांतरित कर देते हैं। ये जो क्रिया है वो नॉपचुअल स्वार्मिंग के नाम से जानी जाती है। हालांकि रानी मक्खी है उसके अंदर मैटिंग की क्रिया स्वार्मिंग के बिना भी होती है। युवा रानी मक्खी अपने छत्ते से बाहर निकलकर उड़ती है और उसके साथ साथ बहुत सारे ड्रोन भी उड़ते हैं। उनमें से एक ड्रोन उस रानी मक्खी के साथ मैटिंग करता है तथा उसी दौरान वो अपना स्पर्मेटोफोर उसके अंदर स्थानांतरित करता है। यहाँ स्पर्मेटोफोर से तात्पर्य है बहुत सारे स्पर्म कलेक्टिव रूप से या एकत्रित रूप से किसी रानी के अंदर स्थानांतरित करना। कलेक्टिवली इन स्पर्म को हम स्पर्मेटोफोर के नाम से जानते हैं। मधुमक्खियों में शुक्राणुओं का जीवन काल लगभग 6 महीने रहता है। रानी मक्खी के अंदर एक यूनिक मैकेनिज्म पाई जाती है जिसके तहत वे मक्खियाँ अपने कुछ अंडों को निषेचित कर लेती हैं तथा कुछ अंडों को अनिषेचित रहने देती हैं। जो अंडे अनिषेचित रहते हैं उन अंडों से फिर नर बनते हैं या ड्रोन बनते हैं तथा जो अंडे निषेचित हो जाते हैं और डिप्लॉयड होते हैं उनसे आगे चलकर वर्कर या रानी मक्खियों का निर्माण होता है। यह घटना सेक्स डिटर्मिनेशन के अंतर्गत फर्टिलाइजेशन के द्वारा सेक्स डिटर्मिनेशन या लिंग निर्धारण के दौरान बताई जाती है। स्वार्मिंग की क्रिया हम आम भाषा में कह सकते हैं कि मधुमक्खियां छिड़ना या एक स्थान से दूसरे स्थान पे मधुमक्खियां जाती है उसको कहा जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य इतना ही होता है कि छत्ते के अंदर भीड़ भाड़ को कम किया जा सके। अगली स्लाइड में हम देख रहे हैं कम्युनिकेशन या संचार। सबसे पहले तो यदि अपन कम्युनिकेशन या संचार के बारे में बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि एक दूसरे से बात करना कम्युनिकेशन या संचार कहलाता है। कम्युनिकेशन या संचार के लिए अलग अलग माध्यम होते हैं। जैसे अपन कहते हैं स्पर्श के द्वारा संचार, टच या स्पर्श के अलावा सुनने के द्वारा या किसी रसायन यानी सूंघने के द्वारा संचार। मधुमक्खियों में संचार या कम्युनिकेशन की जो विधि है वो इसलिए महत्वपूर्ण होती है कि छत्ते के अंदर अंधेरा होता है और कोई स्काउट मक्खी जो मकरंद या फूलों के परागकण जो ढूंढ करके लाई है उसका पता सजातीय साथियों को किस तरह से देती है, ये कम्युनिकेशन या संचार के द्वारा ही दर्शाया जाता है। संचार की क्रिया को सबसे ज़्यादा स्टडी किया था वो कार्ल वॉन फिश ने किया था और उन्होंने हनी बी डांस के नाम से एक लेख या एक पुस्तक लिखी जिसके अंदर उन्होंने मधुमक्खियों के डांस के बारे में या नृत्य के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि किस तरह से मधुमक्खियाँ
अपने छत्ते को ढूंढ लेती है, जो बाहर गई हुई मक्खियां किस तरह से अपने छत्ते को ढूंढ लेती है। इसके अलावा छत्ते के अंदर मौजूद साथियों को किस तरह से भोजन के स्रोत का या पानी के स्रोत का पता देती है, किस तरह से वे एक दूसरे से भोजन के स्रोत की दिशा के बारे में बात करती हैं, वो हनीबी डांस के द्वारा समझाया जा सकता है। इसमें वर्कर मक्खी अलग अलग तरीके से नृत्य करती है और सदस्य जो अन्य सदस्य है या अन्य वर्कर्स है वो उसको गौर से देखती है। हालांकि छत्ते के अंदर अंधेरा होता है, लेकिन आप लोग जानते हैं कि मधुमक्खियों में अल्ट्रा वायलेट रेज को देखने की और पहचानने की क्षमता होती है। साथ ही हम ये कह सकते हैं कि मधुमक्खियों को विभिन्न रंगों का ज्ञान होता है। वो लाल रंग को सबसे कम पहचानती है, बैंगनी और पीले रंग को सबसे ज़्यादा पहचानती है। मधुमक्खियों के नृत्य या डांस के बारे में यदि अपन बात करें तो मधुमक्खियों में डांस के दो प्रकार पाए जाते हैं। पहला डांस जो होता है उसे अपन राउंड डांस कहते हैं। राउंड डांस या गोल नृत्य किसी भी वर्कर बी के द्वारा तब दर्शाया जाता है जब भोजन का स्रोत छत्ते से 75 मीटर की दूरी तक, यानी लगभग 70 से 75 मीटर की दूरी तक होता है। ऐसे नृत्य में, ऐसे डांस में कोई वर्कर मक्खी गोल गोल घूमती है। वो एक बार एक दिशा में घूमती है, फिर दूसरी बार दूसरी दिशा में घूमती है। इस तरह से अन्य मक्खियों को पता चल जाता है कि भोजन का स्रोत नृत्य की जो दिशा है वो उसके आधार पर, तथा साथ ही भोजन जो है वो सूर्य से किस दिशा में है, विपरीत दिशा में है या सूर्य की दिशा में, उसका पता इस नृत्य के द्वारा चल जाता है। यदि भोजन की प्रचुरता है तो डांस की आवृत्ति या फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, अर्थात एक मिनट में मान लीजिए कोई मक्खी 10 चक्कर लगाती है या एक मिनट में कोई वर्कर मक्खी 100 चक्कर लगा लेती है, तो 100 चक्कर का मतलब आवृत्ति ज़्यादा है और इसका अर्थ ये है कि भोजन जो है वो प्रचुर मात्रा में मौजूद है। यदि भोजन थोड़ी मात्रा में मौजूद है, ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि भी प्रति मिनट चक्रों की संख्या जो होती है वो कम होती है। इसी तरह आप दूसरे डायग्राम में देख रहे हैं कि 8 की आकृति में किया जाने वाला नृत्य, इस नृत्य को हम वेगल डांस के नाम से जानते हैं या उदर दोलन नृत्य के नाम से जानते हैं। इस टेल वेगल डांस या उदर दोलन नृत्य को तब परफॉर्म किया जाता है जब भोजन का स्रोत 100 मीटर से ज़्यादा दूरी पर हो। इस नृत्य में कोई मक्खी सीधी चलती है और अपने उदर को दाएं बाएं, यानी एब्डोमिनल पार्ट को राइट और लेफ्ट, इस तरफ और इस तरफ हिलाती है। अपनी उंगली को जैसे हम दाएं बाएं हिलाते हैं, ठीक उसी तरह से ये अपने उदर को दाएं बाएं हिलाती है। इसे टेल वैगिंग डांस के नाम से जानते हैं। टेल वैगिंग डांस में भी भोजन की प्रचुरता कितनी है वो आवृत्ति के आधार पर पता लगाया जाता है। टेल वैगिंग डांस भोजन की दिशा का पता लगाने में भी महत्वपूर्ण होता है। कोई मक्खी यदि टेल वैगिंग डांस करते करते सीधी चल करके ऊपर की तरफ उड़ जाती है तो इसका मतलब ये है कि भोजन है वो सूर्य की दिशा में है, या भोजन का जो स्रोत है वो सूर्य की दिशा में है। इसी तरह कोई मक्खी यदि नीचे की तरफ उड़ती है नृत्य करते हुए, तो ऐसी स्थिति में ये माना जाता है कि भोजन का स्रोत है वो सूर्य की विपरीत दिशा में है। यहाँ सूर्य को एक कंपास के रूप में उपयोग में लाया जाता है। सूर्य या सन के स्थान पर किसी बिल्डिंग या किसी पेड़ जिस पे घोंसला बना हुआ है उसको भी कंपास के रूप में यूज किया जा सकता है। आप ये देख पा रहे हैं कि ये एक एंगल या एक कोण बना हुआ है जिसमें सन या सूर्य और भोजन इन तथा छत्ता, इसके बीच में जो एंगल या कोण बनता है वो कोण या एंगल भोजन की सटीक दिशा को पता लगाने में मदद करता है। संचार के बारे में अगले कुछ टॉपिक्स में अपन और चर्चा करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि मधुमक्खियों से प्राप्त होने वाले उपयोगी पदार्थ कौन कौन से हैं, उनका क्या क्या यूजेज या उपयोग हैं, उनके बारे में अपनी चर्चा होगी। इस वीडियो में जो टॉपिक अपन ने लिया है उस टॉपिक का लेवल या स्तर BSc सेकेंड ईयर के लेवल का ये टॉपिक है। इससे आगे जो हम पढ़ेंगे
उसको मिला करके वो जो टॉपिक होगा वो टॉपिक बीएससी फाइनल में आपके काम आएगा। तो ये टॉपिक आपको 2 साल पढ़ना पड़ेगा, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर दोनों में। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी ये टॉपिक है, वो उपयोगी टॉपिक है। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।